हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ट्यूटोरियल में। इसमें हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर कौन सा डाउनलोड करना है। जी हां, तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाके एसक्यूएल सर्वर सर्च कीजिए, तो यहां माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपका ओपन हुआ। अगर ओपन नहीं भी होता है तो आप इस यहाँ से डाउनलोड में आए, हमारे microsoft.com पे जाके डाउनलोड में जाके एसक्यूएल सर्वर ला सकते हैं। इसमें देखिए दो चीज़ें, एक है आपका अजूरे, दूसरा है एग, और तीसरा है आपका एसक्यूएल सर्वर ऑन परमिशंस। देखिए अजूरे के तो आप छोड़ दीजिए पहले, क्योंकि अजूरे जो है आपका किससे है, अजूरे जो अजूरे जो अलग विंडोज है उस पर रन होता है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है विंडो 10.8 वगैरह पे तो रन होगा नहीं, तो उसको भूल जाइए। दूसरा है एज्ड, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू चलता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग है आप पूरा, तो इसको भी छोड़ दीजिए। एसक्यूएल सर्वर ऑन परमिशन इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे और दिया हुआ है और डाउनलोड फ्री एप्लीकेशन एडिशन, तो इस पर आपको जो है एक्सप्रेस वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, डेवलपर वर्जन डाउनलोड करेंगे तो फिर वो परचेज करने के लिए बोलेगा, एक्सप्रेस वर्जन फ्री होता है तो इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका जो है 6 MB का एक्सप्रेस वर्जन डाउनलोड हो रहा है, ये आपका अब इसको मैंने रन किया है। रन हुआ, ये जो डाउनलोडर रन हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, बेसिक कस्टम या डाउनलोड मीडिया, तो मैं डाउनलोड मीडिया भी क्लिक करूँगा ताकि ये डाउनलोड हो जाए। इंग्लिश है, ठीक है, आपको कौन सा चाहिए, एक्सप्रेस कोर या एक्सप्रेस एडवांस या लोकल एडवांस, तो एसक्यूएल स्पेस करते हैं तो सिर्फ जो है एसक्यूएल इंजन डाउनलोड करेगा। अगर आप एक्सप्रेस एडवांस करते हैं जिसकी साइज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा आपका, वो आपका जो फुल सर्वर इंजन फुल टेक्स्ट सर्विसेज एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज को डाउनलोड करेगा। तो 696 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से अपना लोकेशन चूज कर लीजिए कि डाउनलोड कहाँ पे करना है, देन आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करें। अब ये आपका डाउनलोडिंग शुरू होगा और आपकी इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड करेगा। इसके अलावा अब ऐसे नहीं कि इसको हो गया, अब इसके अलावा इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले एक और एक चीज़ और होता है, इसकी मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड करनी पड़ती है। ये चीज़ें भी हम करेंगे एक आपके साथ, लेकिन ये करेंगे अगली वीडियोज में, तो तब तक सर्वर डाउनलोड करें और मेरा अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करें। थैंक यू।